हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 6, द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। ये चैप्टर नंबर 5 का ही कंटिन्यूएशन है। अगर आपने चैप्टर नंबर 5 मतलब 100 ड्रेसेस पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले उसको देख लीजिए फिर इसको देखिए, ठीक है? तभी अच्छे से समझ में आएगा। और इसके राइटर है एलानोर एस्टिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वेंडा पेट्रोंस्की नाम की एक लड़की होती है जो कि एक पुअर यंग पॉलिश गर्ल होती है जिसके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसके क्लास में, उसके ड्रेसेस को लेकर, उसके नाम को लेकर, ठीक है? और एक कॉन्टेस्ट होता है जिसमें वो विनर होती है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। वो 100 ड्रेसेस का पिक्चर बनाई हुई होती है। तो व्हाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट मिस मैसन अ नोट। तो जब सभी क्लास के बच्चे लोग रूम के अराउंड में सर्कल लगा रहे थे और वेंडा के ड्रॉ किए गए पिक्चर्स को देख रहे थे, तब जो क्लास का मॉनिटर था वो प्रिंसिपल के ऑफिस से एक नोट लेके आया मिस मैसन के लिए। मिस मैसन रेड इट सेवरल टाइम्स। मिस मैसन उसको कई बार पढ़ती है एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ वाइल, और उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए सोचती है। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स। उसके बाद वो अपने हाथों से ताली बजा के बोलती है, अटेंशन क्लास, एवरी वन बैक टू देयर सीट। लाइक क्लास, सबको जाकर अपने सीट पर बैठो। वेन द शफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट, मिस मैसन सेड, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वेंडास फादर डेट आई वॉन्ट टू रीड टू यू। तो जब क्लास में पैरों का आवाज़ शांत हो गया और सभी क्लास के बच्चे लोग बेंच पर आकर बैठ गए, तब मिस मैसन ने कहा कि मुझे वेंडा के पिताजी से एक लेटर आया हुआ है और मैं ये पढ़ के तुम लोग को सुनाना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। तो मिस मैसन वहीं पे खड़ी रही, ठीक है, और रूम का जो साइलेंस था, सन्नाटा था, वो काफ़ी टेंस होता चला गया और एक्सपेक्टेंट। बच्चे लोग भी काफ़ी इच्छुक है ये जानने के लिए कि वेंडा के पिताजी ने क्या लिखा है। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। तो टीचर क्या करती है, वो अपने जो चश्मे है उसको काफ़ी धीरे धीरे एडजस्ट करती है और जानबूझ के थोड़ा डिले कर रही है ताकि क्लास में और जानने का इच्छा पैदा हो। हर मैनर इंडिकेटेड डैट वॉट वॉज कमिंग, दिस लेटर फ्रॉम वेंडास फादर वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। और जिस तरीके से उनका हरकत रवैया था मिस मैसन का, वो दर्शा रहा था कि क्या आने वाला है, क्या वो बोलने वाली है। ये जो वेंडा के पिताजी की तरफ से जो लेटर आया हुआ है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रेड द ब्रीफ नोट। तो सब कोई ध्यान से सुनने लगा जैसे जैसे मिस मैसन ने उस नोट को पढ़ना स्टार्ट किया। तो ये रहा उस नोट का डिटेल्स। उसमें लिखा हुआ था, डियर टीचर, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। कि मेरी वेंडा अब आपके स्कूल में नहीं आएंगी। जेक ऑल्सो, जेक जो वेंडा का भाई था, वो भी नहीं आएगा स्कूल में। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी। अब हम एक बड़े शहर में जा रहे हैं। नो मोर होलर पोलैक। होलर का मतलब होता है अलाउड साउट, ठीक है, चिल्ला चिल्ला कर। पोलैक का मतलब होता है अ पोल, ठीक है, किसी पोल को, मतलब जो पोलिश हो, पोलैंड से बिलोंग करता हो, उसके नाम को चिढ़ाना। तो अब कोई नहीं चिढ़ाएगा मेरे बच्चे को उनके नाम के कारण। नो मोर आस्क वाई फनी नेम। कोई नहीं पूछेगा कि उनका नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी। क्योंकि जो हम बिग सिटी में हम लोग मूव कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसे नाम के कई सारे लोग हैं, इसलिए इस नाम को वहाँ पे कोई नहीं चिढ़ाएगा। योर्स ट्रूली, जैन पेट्रोंस्की। तो ये उसके पिताजी का नाम है, ठीक है। अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। तो जैसे ही टीचर ने ये लेटर पढ़ा, क्लास में एक डीप साइलेंस हो गया। मिस मैसन टू कॉफर ग्लासेस ब्लू ऑन देम एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ। तो मिस मैसन अपने चश्मे को उतारती है, उस पर फूक मारती है और उसको फिर एक सफ़ेद हैंकरचीफ से उसे साफ करती है। देन सी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक एट द क्लास। फिर वापस वो उसको पहन लेती है और क्लास की तरफ देखती है। वेन सी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो। और जब वो बोलती है तो उनकी आवाज़ काफ़ी धीरे हो जाता है, वो भी काफ़ी सैड है ये सुनकर। और वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि आई एम श्योर डैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन रूम 13 वुड पर्पजली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनी वंस फीलिंग बिकॉज ही इज़ और हर नेम हैपन टू बी लॉन्ग अनफेमिलियर वन। तो मिस मैसन बोलती है कि मुझे ये यकीन है कि मेरे क्लास का कोई लड़का या फिर कोई लड़की, मतलब रूम 13 का कोई लड़का या फिर कोई लड़की, जानबूझ के किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नाम जो है वो लंबा है और अनफेमिलियर है, अजीब सा नाम है, ठीक है। आई प्रीफर टू थिंक दैट वॉट वॉज सेड इन थॉटलेसनेस। लेकिन मैं ये मान के चलती हूँ कि जो भी बोला गया वो थॉटलेसनेस में, मतलब अनजाने में बोला गया है। आई नो डैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। मुझे पता है कि तुम्हें भी ऐसा ही फीलिंग हो रहा है जैसा मुझे फीलिंग हो रहा है, सब लोग काफ़ी उदास है। दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन्ड। कि जो हुआ है वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ, दुर्भाग्यपूर्ण भी है और दुखदायी भी है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। और मैं चाहती हूँ कि तुम सब इस मुद्दे के बारे में थोड़ा सोचो।
द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड, जो फर्स्ट पीरियड था उसमें कुछ पढ़ाया गया। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स, मैडी कोशिश कर रही थी कि कुछ वो पढ़े, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन वो अपने दिमाग को पढ़ाई में लगा नहीं पा रही थी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, और उसके स्टमक में भी काफ़ी प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। होता है ऐसा कभी कभी, जब हम टेंशन होते हैं तो हमारे पेट में भी कुछ हरकत होता है। ट्रू, शी हैड नॉट इन्जॉयड लिसनिंग टू पेगी आस्क व्हेन एंड हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट, बट शी हैड सेड नथिंग। तो ये बात सच है कि उसे पसंद नहीं था जब पेगी वेंडा से पूछती थी कि उसके पास कितने ड्रेसेस है, लेकिन ये भी बात सच है कि उसने कुछ बोला भी नहीं उस समय। उसे दुख तो हुआ लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। मैडी ने, शी हैड स्टूड बाई साइलेंटली, स्टूड बाई का मतलब खड़े खड़े मात्र दर्शक बन के कुछ चीज़ को देखना, कहीं अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना, ठीक है। तो वो सिर्फ चुपचाप खड़ी रहती थी, एंड डैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पेगी हैड डन, और चुपचाप खड़े रहना भी उतना ही बुरा है जितना किसी का लिए बुरा करना, मतलब जितना पेगी ने किया उससे भी ज़्यादा जो गलत काम है वो मैडी ने किया, वॉर्स, ठीक है, उससे भी बुरा काम मैडी ने किया। बोलते हैं ना, जुर्म करने वाले से ज़्यादा जो खड़े खड़े होकर जुर्म को देख रहा है वो ज़्यादा दोषी होता है। तो वही यहाँ पे मैडी को भी वैसा फील हो रहा है। सी वॉज अ कावर्ड, वो एक डरपोक लड़की थी। एटलीस्ट पैगी हैडन्ट कंसिडर्ड दे वर बींग मीन, बट सी, मतलब मैडी, हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। सी कुड पुट हर सेल्फ इन वेंडर्स शूज, कम से कम पेगी को ये तो एहसास नहीं था कि वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन मैडी, उसे तो पता था कि वो लोग गलत काम कर रहे हैं, तो पता होते हुए भी उसने नहीं रोका। तो ये सबसे ज़्यादा अपराधी हो रही है यहाँ पे मैडी, ठीक है। सी कुड पुट हर सेल्फ इन वेंडर्स शूज, वो अपने आप को वेंडा के जगह रख के सोच पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं किया। गुडनेस, वॉजंट देयर एनीथिंग सी कुड डू, तो ऐसा क्या कुछ नहीं था कि जो वो कर पाती। If only she could tell Vanda she hadn't been to hurt her feelings, काश वो वेंडा को बोल पाती, मतलब काश मैडी वेंडा को बोल पाती कि उसका उद्देश्य फीलिंग्स को उसके हर्ट करना नहीं है। She turned around and stole a glance at Peggy, तो अभी फर्स्ट पीरियड चल रहा है तो वो अपना सिर घुमा के पेगी को देखती है, बट पेगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पेगी मैडी की तरफ नहीं देखती है। सी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, ऐसा लग रहा था कि पेगी काफ़ी ध्यान से पढ़ रही है। वेल वेदर पेगी फेल्ट बैडली और नॉट, सी, मतलब मैडी, हैड टू डू समथिंग, तो जो भी हो, पेगी को बुरा लगा या फिर नहीं लगा, लेकिन मैडी को कुछ ना कुछ अब जरूर करना था। सी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रोस्की, उसे वेंडा पेट्रोस्की को खोजना है। मे बी सी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, हो सकता है वो अभी तक गई ना हो ये शहर को छोड़ के। मे बी पेगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विथ हर, हो सकता है पेगी भी उसके साथ चले। हाइट्स, हाइट्स से कुछ याद आ रहा है आपको, इसका पूरा नाम था बॉगिंग्स हाइट्स, यहीं पर वेंडा पेट्रोस्की रहती है, ठीक है। तो वो सोच रही है कि हो सकता है कि पेगी भी उसका साथ दे और वो लोग दोनों हाइट्स, बॉगिंग्स हाइट्स में जाए, एंड दे वुड टेल वेंडा सी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, और वो लोग जाके वेंडा को बोलेंगे कि वो कॉन्टेस्ट जीत चुकी है। दैट दे थॉट सी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और वो वेंडा को ये भी बोलेंगे कि सभी लड़कियाँ सोचती हैं कि वेंडा एक स्मार्ट लड़की है और जो 100 ड्रेसेस उसके पास है वो काफ़ी सुंदर है, ऐसा मैडी सोच रही है, ठीक है। When the school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." तो जब स्कूल दोपहर में ख़त्म हो गया तब पेगी pretended casualness, मतलब दिखावटी, मतलब ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अंदर से वो भी सीरियस है। वो बोलती है कि मैडी चलो चल के देखते हैं, और देखते हैं कि वो बच्चा, मतलब वेंडा ने अभी तक शहर छोड़ के गई है कि नहीं गई है। तो इसका मतलब पेगी हैड हैड द सेम आइडिया, पेगी के मन में भी वही चल रहा है जो मैडी के मन में चल रहा है। तो मैडी ग्लोड, तो मैडी ये बात सुनकर काफ़ी खुशी हो जाती है। पेग वॉज रियली ऑल राइट, तो पेग भी सही बोल रही है। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब दोनों लड़कियाँ, पेगी और मैडी, दोनों बिल्डिंग के बाहर तुरंत निकल दी है, बिल्डिंग मतलब स्कूल बिल्डिंग, अप द स्ट्रीट टूअर्ड बॉगिंग साइड्स, और रास्ते पर चढ़ती है, चलते चलते बॉगिंग साइड की तरफ मुड़ जाती है। The part of town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. और जैसे ही वो टाउन में चल रहे होते हैं तो वहाँ का जो एयर है वो काफ़ी फॉरबिडिंग है। फॉरबिडिंग एयर का मतलब अनप्लीजेंट, एक उदासी सा छाया हुआ है इन्वायरमेंट में, और नवंबर का दोपहर का समय है, ड्रिजिली, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, डैम्प एंड डिसमल। डैम्प एंड डिसमल का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है वेट एंड सैड, हर चीज़ भीगा भीगा है और काफ़ी सैड सा इन्वायरमेंट है। Well, at least said Peggy gruffly. तो I never did call her a foreigner or make fun of her name. फिर Peggy बोलती है gruffly. Gruffly का मतलब unfriendly voice में, ठीक है, ऐसे ही मतलब बोलती है कि चलो कम से कम मैंने उसे कभी भी एक foreigner बोल के नहीं बुलाया, ठीक है,
ऐसा नहीं बोलते थे कि तुम पोलैंड से आई हो, पॉलिश हो, इसलिए हम तुम्हारा मजाक उड़ाते, ऐसा नहीं किया भी किया, या फिर उसके नाम का कभी मजाक नहीं उड़ाया। आई नेवर थॉट सी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे। और मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि उसके पास इतना भी बुद्धि है कि वो ये समझ पाए कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब पेगी को ऐसा लगता है कि वेंडा ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि हम लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आई थॉट सी वॉज टू डम, मेरे हिसाब से तो वो काफ़ी बेवकूफ़ लड़की थी। एंड जी, जी का मतलब होता है, ये एक एक्सप्रेशन है सरप्राइज का, ठीक है, सरप्राइज होते हैं तो जी बोलते हैं। लुक हाउ सी कैन ड्रॉ, और देखो कितना अच्छा वो ड्रॉ करती है। मैडी कुड से नथिंग, इतने सुनकर मैडी कुछ नहीं बोली। ऑल सी होप्ड वॉज डैट सी कुड दे कुड फाइंड वेंडा, वो सिर्फ इतना ही उम्मीद कर रही थी कि काश वेंडा मिल जाए यहाँ पे हमें। सी वॉन्टेड टू टेल हर डैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट सी वॉज। वो चाह रही थी ये बोलना कि वेंडा को कि वो दोनों सॉरी है कि वो पिक्ड ऑन, पिक्ड ऑन का मतलब किसी का मजाक उड़ाना, कि वो दोनों और सारी लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाई उसके लिए वो सॉरी है। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट सी वॉज, और पूरा स्कूल ये सोच रहा है कि वो कितनी एक अच्छी लड़की है। एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और काश और प्लीज़ तुम यहाँ से मूव, मतलब यहाँ से जाओ मत, और हर कोई तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करेगा। तो ये सब बात मैडी वेंडा को बोलना चाह रही थी। सी एंड पैगी वुड फाइट एनी बडी हु वॉज नॉट नाइस, और मैडी और पैगी दोनों मिलकर हर वो इंसान से लड़ेंगे जो वेंडा से अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, ठीक है। द टू गर्ल्स हरी डॉन, फिर दोनों लड़कियाँ काफ़ी तेज गति से चलने लगे। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, वो दोनों उम्मीद कर रहे थे कि शाम होने से पहले हिल तक पहुँच जाए बोगन साइट में। आई थिंक डैट्स वर द पेट्रोन्स की स्लीव, सेड मैडी। मैडी बोलती है कि वो देखो मुझे लगता है वो पेट्रोन्स की वहीं पर रहते होंगे। पॉइंटिंग टू अ लिटल व्हाइट हाउस, एक छोटे से सफ़ेद कलर के घर की तरफ इशारा दिखा के वो बोलती है। विस्प्स ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हेयर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थीन किटन्स, और छोटे छोटे पुराने घास के टुकड़े इधर उधर निकले हुए पड़े थे, ऐसा लग रहा था कि वो किसी बिल्ली के बच्चे हैं। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन, और उसका घर था और उसका घर का जो आंगन था तो बुरे हालत में थे, थोड़े टूटे फूटे थे, शैबी थे लेकिन क्लीन थे। और ये वेंडा का स्पेशल फीचर था, वो भले ही फटे चिटे कपड़े पहनती थी, रंग उड़ा हुआ कपड़ा पहनती थी, लेकिन वो साफ होते थे। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वेंडाज वन ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस शैबी बट क्लीन, तो उसका घर देखकर मैडी को वेंडा का उस ड्रेस के बारे में याद आता है जो वो पहनती थी, वो फेडेड ब्लू कॉटन का ड्रेस जो शैबी होता था, ठीक है, लेकिन क्लीन होता था। देर वॉज नॉट अ साइन, और शैबी का मतलब होता है बुरे हालत में, ठीक है। देर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, तो घर के तरफ तो लग नहीं रहा था कि कोई वहाँ पे इंसान है, साइन ऑफ लाइफ मतलब कोई इंसान वहाँ पे है नहीं ऐसा लग रहा था। पेगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, तो पेगी दरवाजे को ढकढकाती है। एंड देर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं मिलता है। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक देयर, तो दोनों घर के पीछे की तरफ जाते हैं और वहाँ पे भी नॉक करते हैं। स्टिल देर वॉज नो आंसर, और तब भी कोई जवाब नहीं मिलता है। देर वॉज नो डाउट अबाउट इट, और इसमें कोई शक नहीं था कि द पेट्रोन्स की वर गॉन, वे लोग अब जा चुके हैं। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, मेक अमेंड्स का मतलब होता है अपने जो गलत काम किया है उसके लिए कुछ अच्छा काम करके उसका भरपाई करना, तो कैसे उसका पश्चाताप करेंगे वो दोनों। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, फिर दोनों फिर धीरे धीरे काफ़ी मायूस हो जाते हैं, धीरे धीरे हिल से उतरना स्टार्ट कर देते हैं। वेल एनी वे सेट पैगी, सी इज़ गॉन नाउ सो वॉट कैन वी डू, तो पेगी बोलती है कि जब वेंडा अब जा चुकी है तो हम लोग कर क्या सकते हैं। बिसाइड्स व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट हर ऑल हर ड्रेसेस सी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स, और इसके अलावा जब मैं उसे पूछ रही थी उसके ड्रेसेस के बारे में तो हो सकता है उसे काफ़ी अच्छा आइडियाज़ आ गया हो ये ड्राइंग बनाने के लिए, मेरे पूछने की वजह से तो वो सोच पाई और काफ़ी अच्छा ड्राइंग बना पाई, ऐसा पेगी बोलती है। सी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, नहीं तो वो कॉन्टेस्ट भी नहीं जीत पाती, ऐसा पेगी रीजनिंग देती है। मैटी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड फॉर इफ देर वॉज एनी थिंग इन इट सी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, तो मैडी इस आइडिया को थोड़ी देर के लिए सोचती है। टर्न दिस आइडिया का मतलब उस आइडिया को दिमाग में सोचना, क्योंकि अगर इस आइडिया में थोड़ा सा भी दम हो, ठीक है, पेगी का डिजनी में अगर थोड़ा सा भी दम हो तो मैडी को जितना बुरा फील हो रहा है उतना उसे बुरा फील नहीं होगा। बट दैट नाइट सी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन उस रात मैडी को नींद नहीं आया। सी थॉट अबाउट वेंडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटल हाउस सी हैड लिव्ड इन, वो सारी रात वेंडा के बारे में सोचती रही, उसके ब्लू ड्रेस के बारे में सोचती रही और उसके जो छोटे से घर था उसके बारे में वो सोचती रही। एंड सी थॉट ऑफ द ग्रोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और वो उसके 100 ड्रेसेस के बारे में भी सोचने लगी, ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, जो क्लास में एक लाइन से सजे हुए थे। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फॉरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट,
और लास्ट में जब मैडी को नींद नहीं आ रहा था तो वो बेड पे बैठ पड़ती है और अपने फोरहेड को, ठीक है, अपने सिर को काफ़ी जोर से अपने हाथों से दबाती है और फिर बहुत गहरा सोचती है। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग सी हैड एवर डन। तो इतना हार्ड थिंकिंग उसने आज तक अपने लाइफ में नहीं किया था, इतने दिमाग पे जोर देकर सोचना। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम सी रीच्ड एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। तो काफ़ी देर सोचने के बाद वो एक कंक्लूजन पे पहुंची। वो कंक्लूजन क्या था? सी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन। वो अब से उसने अब से डिसीजन ले लिया कि वो अब से कभी भी स्टैंड बाई, एक दर्शक बन के कोई अत्याचार को नहीं देखेगी, एंड कुछ ऐसा नहीं है कि वो कभी कुछ नहीं बोलेंगी, वो अब गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगी। सी इफ सी एवर हर्ड एनी बडी पिकिंग ऑन सम वन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, सी वुड स्पीक अप। वो बोलती है कि अगर उसे कभी ऐसा देखने में या फिर सुनने में आया कि कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, पिकिंग ऑन मतलब मजाक उड़ाना, इसलिए कि वो देखने में कुछ अजीब तरीके के हैं या फिर उनका नाम अजीब है, तो वो स्पीक अप मतलब बोलेंगी, ठीक है, इवन इफ इट मीन्ट लूजिंग पेगीज फ्रेंडशिप। और वो तब भी बोलेंगी अगर उसके बोलने से पेगी का फ्रेंडशिप लूज होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो गलत के खिलाफ अब आवाज़ उठाएंगी। मैडी सी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विथ वेंडा, बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। तो चूंकि अब वेंडा के साथ तो वो अपना रिलेशन को नहीं सुधार सकती है, उसे माफ़ी नहीं मांग सकती है, लेकिन उसने अब से डिसीजन ले लिया कि अब से मैं किसी को भी उतना दुखी नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैडी को काफ़ी बुरा फील हो रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विथ पेगी। तो सैटरडे को मैडी ने उस दोपहर का समय पेगी के साथ बिताया। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वेंडा पेट्रोंस्की। और वो दोनों क्या कर रहे थे मिलके? एक चिट्ठी लिख रहे थे वेंडा पेट्रोंस्की को। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वेंडा सी हैड वॉन। तो वो एक काफ़ी फ्रेंडली लेटर था, मतलब एक दोस्त जो दूसरे दोस्त को लिखता है, ऐसा लेटर था वो। और उसमें वो बता रहे थे कि कॉन्टेस्ट के बारे में बता रहे थे और वेंडा उस कॉन्टेस्ट को जीत चुकी है, वो इसके बारे में बता रहे थे। दे टोल्ड हर हाउ हर हाउ प्रिटी हर ड्रॉइंग्स वर। वो चिट्ठी में बता रहे थे कि उसके ड्रॉइंग्स कितने अच्छे थे, एंड दे आस्क्ड हर इफ सी लाइक्ड वेयर सी वॉज लिविंग। और वो दोनों वेंडा से पूछते हैं कि वो कहाँ रह रही है, एंड इफ सी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और क्या उसे उसका नया टीचर पसंद आ रहा है कि नहीं। दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी। और वो बोलना चाह रहे थे कि वो दोनों सॉरी है, मतलब शर्मिंदा है अपने काम पे, दुखी है, बट इट एंडेड अप विद जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड। लेकिन उन्होंने एंड कर दिया उस लेटर को एक फ्रेंडली लेटर की तरह, ऐसा लेटर जो कोई दोस्त एक दूसरे दोस्त को लिखता है। एंड दे साइंड इट विथ लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव। और लास्ट में उन्होंने काफ़ी सारे एक्सेस बना दिए, एक्सेस का मतलब होता है लव, ठीक है। दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिन साइट, और उन्होंने लेटर पर लिख दिया बॉगिन साइट राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप, और उसके नीचे लिख दिया प्लीज़ फॉरवर्ड, मतलब जो अब नया एड्रेस है वहाँ पर वो लेटर चला जाएगा। डेज पास्ड एंड देर वॉज नो एंसर बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, सो मे बी वेंडा हैड रिसीव्ड इट। तो काफ़ी दिन बीत गए, लेटर का जवाब भी नहीं आया और वो लेटर वापस रिटर्न भी नहीं आया। तो लेटर रिटर्न नहीं आया मतलब लेटर अपना डेस्टिनेशन में तो पहुंच गया, तो सो मे बी वेंडा हैड रिसीव्ड इट। हो सकता है वेंडा को वो लेटर मिल चुका हो। परहैप्स ही वॉज सो हर्ट एंड एंग्री सी वॉज नॉट गोइंग टू एंसर। हो सकता है कि उसे इतना हर्ट हुआ हो और वो इतना नाराज हो कि वो उसका आंसर देना सही नहीं समझी। यू कुड नॉट ब्लेम हर, तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। वीक्स वेंट बाई एंड स्टिल वेंडा डिड नॉट एंसर। कई हफ्ते भी बीत गए लेकिन वेंडा ने उसका लेटर का कोई जवाब नहीं दिया। पेगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस। पेगी ने इस पूरे इंसिडेंट को भूलना स्टार्ट कर दिया। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट्स मेकिंग स्पीचेस अबाउट वेंडा डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विथ हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव यू गॉट। और मैडी ने क्या किया, चूंकि उसको रात को नींद नहीं आता था तो वो रात को ऐसे सोती थी, वो क्या करती थी कि स्पीचेस बोलती थी, ठीक है, वेंडा के बारे में। वो इमेजिन करती थी कि वो वेंडा को बचा रही है फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स, ठीक है, जो लड़कियों का झुंड थे उससे वेंडा को बचा रही है मैडी। और वो जो लड़कियां थी जो वेंडा को चिढ़ा रही थी, वो लड़कियां क्या बोलती है कि कितने ड्रेसेस है तुम्हारे पास, ठीक है, तो तब मैडी उसको बचाती है, ऐसा मैडी इमेजिन करती है रात को, और तब वो सोने जाती है। एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे सी डिड बिफोर आंसरिंग मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप एंड देन एवरीबडी वुड फील अ सेम द वे सी यूज टू फील। और जैसे और उससे पहले कि वेंडा कुछ अपने होठों को दबाकर फिर कुछ जवाब दे जैसे वो अक्सर करती थी, उससे पहले मैडी वहाँ पे बोलती कि रुको, और तब सब कोई अपने काम पर शर्मिंदा होते, उतना ही शर्म फील करते जितना कि मैडी फील करती है, ठीक है। तो ऐसा सब कुछ इमेजिन करके मैडी सोने जाती थी। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। तो कुछ दिन बीत जाते हैं और अब क्रिसमस का समय आ चुका है और ग्राउंड में, स्कूल के ग्राउंड में स्नो हर जगह बिखरे हुए हैं।
क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम, और क्लासरूम में क्रिसमस बेल्स घंटी लगे हुए हैं और जो क्रिसमस ट्री है वो सजा कर रखा हुआ है। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज द टीचर शोड द क्लास अ लेटर सी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, स्कूल का जो आखिरी दिन था बिफोर द हॉलीडेज, विंटर वैकेशन शुरू होने से पहले, टीचर ने पूरे क्लास को एक लेटर दिखाया जो उसे टीचर को मतलब उस सुबह मिला था। यू रिमेंबर वेंडा पेट्रोंस्की द गिफ्टेड लिटल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राॅइंग कॉन्टेस्ट। तो टीचर बोलती है कि बच्चों तुम्हें याद है वेंडा पेट्रोंस्की के बारे में, वो बच्चा जो छोटा आर्टिस्ट था और जो ड्राॅइंग कॉन्टेस्ट जीता था। वेल सी वो हैज़ रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर सी लिव्स बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल। टीचर बोलती है कि चलो अच्छा हुआ कि उसने मुझे चिट्ठी लिखा और मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे ये पता चल गया कि वो अब कहाँ रहती है, क्योंकि अब मैं उसे जो उसका मेडल था जो वो जीती थी वो वैसे भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, तो मैं चाहती हूँ कि वो लेटर मैं तुम लोगों को पढ़ के सुनाऊँ। द क्लास सेट अप विथ सडन इंटरेस्ट एंड लिसेंड इंटेंटली। तो पूरा क्लास अचानक से सब अपने बेंच पे जाकर बैठ गए और काफ़ी इंटरेस्टेड हो गए सुनने के लिए कि वो क्या लिखी है, और काफ़ी ध्यान से सुनने लगे। तो ये रहा वो लेटर, मिस मैसन वो पढ़ती है। डियर मिस मैसन, तो वेंडा ने लिखा है कि डियर मिस मैसन हाउ आर यू एंड रूम 13, आप कैसी हैं और पूरा रूम 13 के बच्चे लोग कैसे हैं। प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। वो बोलती है कि मैम आप लड़कियों को बोलिएगा कि वो जो 100 ड्रेसेस मैंने ड्रॉ किया था वो सब वो ले सकते हैं, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास और नए 100 ड्रेसेस आ चुके हैं और सभी मेरे अलमारी में एक लाइन से सजे हुए हैं। आई वुड लाइक दैट गर्ल पेगी टू हैव द ड्रॉइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको दो ड्रेसेस याद करके रखना है, एक ब्लू ड्रेस था और एक ग्रीन ड्रेस था। तो वो बोलती है जो ग्रीन ड्रेस है वो पेगी को दे दीजिएगा जिसमें रेड ट्रिमिंग लगा हुआ है, एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और उसकी जो फ्रेंड थी मैडी उसको ब्लू ड्रेस दे दीजिएगा। फॉर क्रिसमस आई मिस डैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू। और जहाँ तक क्रिसमस का सवाल है, मुझे आपके स्कूल को काफ़ी याद आ रहा है और मेरी जो नई टीचर है वो आपकी जैसी अच्छी तो नहीं है, ठीक है, आपके बराबर की नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, इतना लिख के बोलती है कि आप सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। योर्स ट्रूली वेंडा पेट्रोंस्की। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पेगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। तो ऐसा करके स्कूल छुट्टी हो जाता है, फिर तो जब वो लोग दोनों घर जा रहे होते हैं वो दोनों अपने ड्राइंग्स को काफ़ी मतलब संभाल के ले जा रहे होते हैं जो वेंडा ने इन दोनों को दिया है। ऑल द हाउसेस हैड रीथ एंड होली इन द विंडोज़। और वो देखती हैं जब वो रास्ते से गुजर रही हैं तो देखती हैं कि सभी घर में रीथ मतलब फूलों का जो गोल गुलदस्ता होता है वो सब में लगा हुआ है, और होली क्या होता है, एक डार्क ग्रीन लीव्स वाला एक पेड़ होता है जिसमें रेड रेड बेरीज होते हैं, ठीक है। तो सबके घर में खिड़कियों में ये सजाया गया है क्योंकि क्रिसमस है। आउटसाइड द ग्रॉसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड, और ग्रॉसरी स्टोर के बाहर क्रिसमस ट्री के सौ क्रिसमस ट्री के जो थोक है वो लगे हुए थे। एंड इन द विंडो कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स एंड कॉर्नुकोपियास ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग, और खिड़की में कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ये लगे हुए थे, और कॉर्नोकोपियास क्या होता है, डेकोरेटिव कंटेनर्स यूजुअली फुल ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है, ये भी शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर में बंद के स्ट्रंग का मतलब होता है हैंग अप इन अ लाइन, एक लाइन से सब टंगे हुए थे। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड द लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। हवा में क्रिसमस का स्मेल आ रहा था, सुगंध आ रहा था, एंड और जो लाइट जो चमचमा रहे थे घरों में वो लाइट का रिफ्लेक्शन स्नो से होते हुए ये लोग देख पा रहे थे। बॉय सेट पेगी, तो बॉय का मतलब आपको पता ही है, पिछली क्लास में बताए थे, यहाँ पे बॉय का मतलब लड़का नहीं है, बॉय का मतलब एक एक्सप्रेशन है डिलाइट एंड जॉय, मतलब वाओ जैसा बोलते हैं, ठीक है। तो पेगी बोलती है कि वाओ दिस सो सीरियली लाइक्स अस, ये बताता है उसने जो हमें ये ड्राइंग दिया ये बताता है कि उसे भी हम लोग काफ़ी पसंद है। इट सो सी गॉट आवर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट एंड दैट्स दैट। वो बोलती है कि ये दिखाता है कि उसे हमारा चिट्ठी मिल चुका है और ये उसका तरीका है ये बताने का कि हर चीज़ अब ठीक हो चुका है, और बस यही है। आई होप सो सेड मैडी सैडली, तो मैडी भी काफ़ी सैडली होकर बोलती है कि मुझे भी यही उम्मीद है। सी फेल्ट सैड, उसे वो सैड इसलिए थी क्योंकि बिकॉज सी न्यू सी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल, उसे ये पता था कि वो अब वापस उस टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल मतलब वेंडा से वापस नहीं मिल पाएगी। अब ये देखिए जब भी वेंडा का जिक्र होता है तो उसके होंठों का जिक्र बहुत बार हो चुका है, तो ये बात को आप याद कर लीजिएगा, ये एक कीवर्ड की तरह काम करेगा आपके आंसर्स में, टाइट लिप्ड, ठीक है। एंड कुडंट इवन, और क्वेश्चन आंसर का वीडियो बहुत जल्दी आएगा उसमें बता देंगे कि कैसे आएगा ये, ठीक है।
एंड कुडंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम। और मैडी सोचती है कि अब वो वापस उसे माफ़ी नहीं मांग पाएगी, उसे ये सब चीज़ बता नहीं पाएंगी, तो इसलिए वो काफ़ी सैड है। सी वेंट होम एंड सी पिंड हर ड्राॅइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। वो घर जाती है और जो ड्राॅइंग वेंडा ने उसको दिया है वो उस ड्राॅइंग को अपने एक फटे हुए, जो उसके घर में पहले से एक वॉलपेपर टंगा हुआ था, ठीक है, उसमें पिंक फ्लावर बने हुए थे, उसमें एक हल्का सा फटा हुआ एरिया था, तो उस एरिया के ऊपर वो उस वेंडा के ड्राॅइंग को चिपका देती है अपने बेडरूम में, ठीक है। द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर। तो वो रूम जो उसका काफ़ी टूटा फूटा सा रूम था, ठीक है, बुरी हालत में जो रूम था, क्योंकि मैडी भी एक गरीब लड़की थी, तो उस रूम में जैसे ही मैडी ने वो जो वेंडा का ड्राइंग था वो लगाया, वैसे ही उसके जो चमचमाते कलर थे वो रूम भी चमचमाने लग गया। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक एट द ड्राइंग। मैडी अपने बेड पर बैठती है और काफ़ी ध्यान से उस ड्राइंग को देखने लग जाती है। सी हैड स्टूड बाई एंड सेड नथिंग। और वो फिर से सोचती है कि वो वापस स्टैंड बाई, ठीक है, स्टैंड बाई का पास्ट टेंस है, स्टूड बाई, सिर्फ खड़ी रही एक दर्शक बनकर और कुछ नहीं बोली। बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर एनी वे। लेकिन वेंडा ने उसके लिए काफ़ी अच्छा फीलिंग रखा है अपने मन में, ठीक है। टीयर्स ब्लर्ड हर आइज एंड सी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर। तो वो पिक्चर को देखती रही और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सब सोच के, और जब आंखों में आंसू आ जाते हैं तो चीज़ें ब्लर दिखने लगती है, ऐसा उसके साथ होता है। देन हैस्टिली सी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली। फिर वो जल्दी से क्या करती है, अपने आंखों को रब करती है और वापस उस पिक्चर को काफ़ी ध्यान से देखती है। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड डैट सी हैड स्केर्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राॅइंग। उस ड्राॅइंग के कलर्स इतने ब्रिलियंट थे कि उसने अभी तक चेहरा तो देखा ही नहीं, उसके हेड को देखा ही नहीं उस ड्राॅइंग का। जब उसने चेहरा देखा तब उसने क्या पाया, बट इट लुक लाइक हर, कि उसका चेहरा ठीक मैडी की तरह है, ठीक है, मैडी ने ये देखा। इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ, ऐसा लग रहा था कि उसका खुद का फेस है ड्राॅइंग में। वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ, एकदम खुद का चेहरा लग रहा था। वेंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर। तो वेंडा ने पक्का वो मेरे लिए ही बनाया होगा, उसीलिए उसने चिट्ठी में लिखा था कि ब्लू वाला ड्रेस मैडी को ही मिले, ठीक है। वेंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर। एक्साइटेडली सी रैन ओवर टू पेगीज। और इतना जोश में आके वो पक्का सोचती है कि पेगी का भी ड्राॅइंग बना होगा, तो वो दौड़ के पेगी के घर जाती है। पेग सी सेड, बोलती है पेग लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे अपना पिक्चर दिखाओ। व्हाट्स द मैटर एस्क्ड पेगी। पेगी बोलती है कि क्या बात है। एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वेंडाज ड्राॅइंग वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड। क्लैटर डाउन का मतलब जो पैरों का आवाज़ टक 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 होता है उसको बोलते हैं क्लैटरिंग का साउंड। तो दोनों दौड़ के पेगी के रूम में जाते हैं जहाँ पे वेंडा का ड्राॅइंग पड़ा हुआ था उल्टे रूप में। मैडी केयरफुली रेज्ड इट। तो मैडी उसको काफ़ी ध्यान से उठाती है उस ड्राॅइंग को। लुक सी ड्रू यू डैट सी यू सी एक्सक्लेम्ड। और वो बोलती है कि देखो ये उसने तुम्हें बनाया है। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पेगी। और चेहरा देखकर और हेड देखकर लग रहा था कि वो पक्का पेगी का ही ड्राॅइंग था वो। वॉट डिड आई से सेड पेगी। तो पेगी ने कहा मैंने क्या कहा था। सी मस्ट हैव रियली लाइक दस एनी वे, उसे पक्का हम पसंद है। येस सी मस्ट हैव एग्रीड मैडी। मैडी बोलती है कि हाँ उसे पक्का हम पसंद है। एंड सी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स डैट केम एवरी टाइम सी थॉट ऑफ वेंडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड लुकिंग स्टॉलिडली ओवर द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर सी हैड वॉकड ऑफ आफ्टर सी हैड सेड श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। काफ़ी बड़ा सेंटेंस है ये। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मैडी है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं हर बार जब वो सोचती है वेंडा के बारे में। एक सिचुएशन को इमेजिन करती है, वो सिचुएशन क्या है कि वेंडा अकेली खड़ी है उस सनी स्पॉट में स्कूल यार्ड में, ठीक है, जहाँ पे धूप आ रहा है, और वेंडा खड़ी खड़ी उन लड़कियों को देख रही है जो लड़कियाँ उसके ऊपर हंस रही है। आफ्टर सी हैड वॉकड ऑफ आफ्टर सी हैड सेड श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। और जब वेंडा उन लड़कियों को जवाब देती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है और सब लाइन से सजे हुए हैं, और ये बोल के जब वो जाने लगती है तब सब लड़कियाँ उस पर हंस रही होती है, तब वेंडा उनको काफ़ी स्टॉलिडली मतलब विदाउट एनी फीलिंग उनको देखती है। तो ये सिचुएशन को इमेजिन करके मैडी की आंखों में हर बार आंसू आ जाता है और वो उसे ब्लिंक अवे करती है। ब्लिंक अवे मतलब जब हमारे आंखों में आंसू आते हैं तो हम क्या करते हैं, कई बार पलके को झपकाते हैं ताकि वो आंसू ओवरकम हो जाए, ठीक है। तो वैसे ही मैडी भी करती है, मतलब उसके मन में काफ़ी डीप फीलिंग्स है वेंडा के लिए। बस तो यही है फिर ये स्टोरी, काफ़ी अच्छा स्टोरी था ये, मुझे तो काफ़ी पर्सनली पसंद आया ये स्टोरी। उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आया होगा और काफ़ी चीज़ सीखने को भी मिला होगा इस स्टोरी से। चलिए फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले किसी चैप्टर के साथ, और चैनल पर अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी बाकी सब्जेक्ट के वीडियोज़ हैं वो उसको देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।